हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए राजगिरे की भाजी के पकोड़े। राजगिरे की भाजी दो कलर की होती है, एक रेड और एक ग्रीन। तो मैंने लिया है आज रेड कलर की भाजी। तो मैं इसे बनाने वाली हूँ पकोड़े। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धोई हूँ और इसे साफ करके रखी हूँ। तो सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे। तो मैंने ली हूँ एक कटोरी बेसन। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब उसमें डालेंगे मसाले। मैंने तीन चीज ली हूँ, नमक, धनिया पाउडर और अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा भून के ली हूँ। तो अब इसमें डालेंगे सबसे पहले आधा चम्मच नमक। अब डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। अब डालेंगे अजवाइन। आटे के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमें आटे को पतला करना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे आटे को, जब तक कि इसके अंदर के लम्स पूरे ख़त्म ना हो जाए और आटा पूरी तरह से बन जाए। तो तब तक इसे फेंटते रहेंगे। तो अब ये हो चुका है, तो इस तरह से हमें इसे पतला करना है। इतना आप देख सकते हैं कितना पतला किया मैंने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें कैसे डाल के भाजी इसमें फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे डिप करेंगे और इसका जो आटा है थोड़ा सा निकाल लेंगे उस पे से, फिर इसे तेल में डालेंगे। तो ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें तेल में इसे छोड़ दूंगी। अब धीरे से इसे तेल में छोड़ देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसे स्ट्रेट ही छोड़ना है ताकि जो पत्तों का डिज़ाइन है वो पूरी तरह आ जाए। ज़्यादा पत्ते नहीं डालना है, अगर आप ज़्यादा डालोगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो थोड़े ही डालेंगे इसमें। इसे हाई फ्लेम पे ही तलते रहना है, इसे पलटते हुए तलते रहना है, जब तक कि इस पर गोल्डन कलर ना आए। इसे हाई फ्लेम पे ही तलते रहना है। तो अब ये होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हमें और थोड़ा सा पकाना है। राजगिरे के पकौड़े बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। तो अब ये हो चुके हैं, तभी मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। इसी तरह से मैंने थोड़ी सी भाजी के पकौड़े बना ली हूँ, पूरे भाजी की नहीं बनाई हूँ। अगर आप चाहो तो पूरी भाजी की बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे बन के रेडी है पत्ते शेप वाले पकौड़े। आपने बहुत सारे शेप में बनाए होंगे, पर आप ये भी ट्राई करके देखना कि जो पत्ते का शेप है बहुत ही अच्छा है। इसे मैं तोड़ के बताती हूँ कितने क्रंची बन चुके हैं ये। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चला होगा कि इसे कितने क्रंची बन चुके हैं। तो राजगिरे के जो भाजी के पकौड़े होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस वक्त के लिए बाय।